बिग बॉस ओटीटी 3 में एक तरफ जहां हर कंटेस्टेंट आगे बढ़ने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री पर भी कयासबाजी का दौर जारी है। अब यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी का नाम वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आ रहा है। इससे पहले जोगिंदर यादव, राखी सावंत और बृष्टि जैसे इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स ने इनमें से किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन जैसे जैसे घर से एविक्शन का सिलसिला जारी रहेगा, किसी को वाइल्ड कार्ड के तौर पर लाया जरूर जा सकता है। बता दें कि लक्ष्य चौधरी यूट्यूब पर तमाम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं और वो ज्यादातर वीडियोस में किसी न किसी शो या फिर किसी एक्टर को रोस्ट करते दिखाई देते हैं और YouTube पर उनके 2.88 मिलियन फॉलोअर्स हैं और लक्ष्य भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं। बता दें कि लव कटारिया और विशाल पांडे की बातचीत से हाल ही में घर में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया था कि ये किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन चीजें इस तरह आगे बढ़ी कि अरमान मलिक ने तैश में आकर विशाल को थप्पड़ मार दिया और कंट्रोवर्सी ज्यादा हद तक बढ़ गई। अभी तक बिग बॉस ने किसी को निकाला तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की सजा विशाल, अरमान और लव को दी गई है, उससे माना जा रहा है कि तीनों में से किसी न किसी की छुट्टी जल्द ही हो सकती है। बिग बॉस ओटीटी का ये सीजन इस वक्त काफी विवादों से भरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह मेकर्स ने खेल के नियमों से लेकर होस्ट और तमाम चीजों में बदलाव किए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि बिग बॉस ओटीटी 3 में अभी बहुत सा ड्रामा बाकी है। पहले जहां अरमान मलिक का अपनी दोनों बीवियों के साथ शो में आना चर्चा का टॉपिक रहा, वहीं बाद में अरमान का विशाल पर हाथ छोड़ना विवाद की वजह बन गया है। शिवानी और रणवीर शौर्य का झगड़ा भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर टॉप 5 तक का सफर इनमें से कौन से खिलाड़ी तय कर पाते हैं।